सो फ्रेंड्स, क्या आपने भी जो है मीशो से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और गाइस आप जो है उस किसी भी रीजन से जो है उस प्रोडक्ट को जो है रिटर्न कर रहे थे एंड आपने जो है उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट भी डाल दी थी, बट गाइस उसकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने भी जो है एक प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर किया था मीशो से और गाइस वो जो है उसको जो है मैंने रिटर्न में भी डाला था और उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो चुकी है। सो अगर आपको भी जो है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आपके अकाउंट में अगर आ रही है तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से आपको जो है फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट को डालना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देन वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो समय समय मिलती रहती हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सो यहाँ पर आपको जो है नीचे की साइड यहाँ पर आपको व्यू रिटर्न रिक्वेस्ट आपको एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। सो मीशो पर कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करने की जो वैलिडिटी की जो डेट होती है वो 7 डेज की होती है। 7 डेज के भीतर आप कभी भी प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। मीशो पर आप 7 डेज के बाद भी जो है रिटर्न रिक्वेस्ट को जो है अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर जो है आपको जो है ऊपर की साइड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो रिटर्न रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पर हमारी कैंसिल हो चुकी है। डिलीवरी पार्टनर जो है कुरियर वालों ने जो है हमारी रिटर्न की जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पर कैंसिल कर दी है। सो मीशो में जो है कुछ इस तरह के टेक्निकल इशू वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं, बट आप जो है उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो, उनमें आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती भी है तो आप जो है कस्टमर केयर से जो है बात कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जो हूँ आपको जो है ये वाला जो प्रोडक्ट है मैं आपको इसकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो फिर से यहाँ पर डाल के दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर जो है आपको रिटर्न रिक्वेस्ट अगेन के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है एंड रिटर्न फिर से डालने के लिए जो है हमें यहाँ पर एक रीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो आप जिस भी रीज़न से आप जो है प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं वो रीज़न आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कई सारे रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मैं जो हूँ ये वाला रीज़न सेलेक्ट करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी करना है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है फिर से यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट करना है, तो आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं या फिर रिटर्न करना चाहते हैं या फिर एक्सचेंज करना चाहते हैं प्रोडक्ट को। सो मैं जो हूँ यहाँ पर इस प्रोडक्ट को जो है रिटर्न करने वाला हूँ, मतलब वापस करने वाला हूँ। सो अगर आप जो है प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हैं या ना बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। सो आपको जो है रिटर्न के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको जो है सबमिट के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जो है अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ती हैं अपना रिफंड वापस लेने के लिए। सो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमें जो है सबसे पहले अपना IFSC कोड डालना है बैंक का एंड सेकंड में आपको अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है एंड थर्ड में आपको जो है आपका फिर से अकाउंट नंबर यहाँ पर कंफर्म करने के लिए डालना है एंड चौथे वाले ऑप्शन में आपको जो है अपना अकाउंट का नाम डालना है एंड उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको जो है कुछ इस तरह का आपका जो बैंक डिटेल्स है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी एंड उसके बाद गाइस आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही गाइस हमारे जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर उनके पास पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो रिटर्न की रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पर हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुकी है एंड नीचे की साइड आपको जो है आपकी रिटर्न की जो पिकअप डेट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी एंड नीचे की साइड आपको जो है अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह आपको दिख जाएंगी। सो यहाँ पर मैं एक बार आपको बैक जाके दिखा देता हूँ। सो यहाँ से हमें बैक जाएंगे एंड यहाँ पर आपको जो है जैसे ही आपका रिटर्न अप्रूव हो जाएगा आपको कुछ इस तरह का शो मतलब पेज शो होगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।